हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय DIY चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा फेस वॉश आपके स्किन के लिए बेस्ट है और किस टाइप के फेस वॉश आपको यूज करने चाहिए। हम फेस वॉश कुछ ज्यादातर टीवी पे देख के अट्रैक्ट होके खरीद लेते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, आपको सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेकआउट करना चाहिए और उसी के बाद इनको परचेस करना चाहिए। कुछ लिस्ट शो हो रही होगी, ये जो ऐसे केमिकल है अगर आपके किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपके स्किन के लिए। और आप जो भी अदर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आपके हेयर ऑयल के अंदर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हैं, मेकअप के अंदर है, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डल बना सकती है और साथ ही साथ जो एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम है उनको दुगने से तिगना और बढ़ा सकती है। और आप मार्केट से फेस वॉश लेके तो आते हैं इस उम्मीद में कि आपके एक्ने पिंपल सारे रिमूव हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, वो और बढ़ा देते हैं। आपको कई बार आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और आपके एक्ने पिंपल्स के मार्क्स नहीं जाते। इसका रीज़न है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी स्किन को और ज़्यादा ख़राब बनाता है। आपको रिजल्ट 2-4 दिन में नहीं विजिबल होंगे, बट धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आपकी स्किन के अंदर वो डलनेस नज़र आएगी। और जब तक आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तब तक ही वो आपको थोड़ा ग्लो दे सकता है, बट अगर जैसे ही आपने स्टॉप कर दिया उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, बिकॉज ये केमिकल होते हैं उनके अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें नंबर 4th कैटेगरी में मैंने उन्हें रखा है जिनके अंदर हाईली केमिकल्स ऐड होते हैं जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और नंबर 3rd के अंदर जिनके अंदर थोड़ा कम केमिकल होता है एज़ कंपैरिजन नंबर 4th कैटेगरी। नंबर 2nd कैटेगरी के अंदर उन फेस वॉश को रखा है जिनके अंदर एज़ कंपैरिजन 3rd और 4th कैटेगरी से कम केमिकल है, और नंबर 1 वो केमिकल फ्री फेस वॉश है, उनके अंदर ऐसे केमिकल है जो हमारे स्किन को ग्लोइंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो इसी सीक्वेंस से स्टार्ट होगी। नंबर 4th कैटेगरी के अंदर ये फेस वॉश की लिस्ट है, आप जरूर से देखें कि कहीं आपका फेस वॉश इस कैटेगरी में तो नहीं है। लैक्मे, पियर्स, निविया, एवर यूथ, ही, जॉय, फेयर, हैंडसम जैसे फेस वॉश आते हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इनके इंग्रेडिएंट ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप इनमें से कोई यूज़ करते हैं तो अभी उसकी जाके इंग्रेडिएंट ज़रूर चेकआउट करें, और आप गूगल भी कर सकते हैं वो केमिकल आपके स्किन को कितना ज़्यादा डैमेज करते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए और ज़रूर से चेकआउट कीजिए। नंबर 3rd कैटेगरी के अंदर वो फेस वॉश की लिस्ट है। नंबर 3rd कैटेगरी के अंदर ये फेस वॉश आते हैं, गार्नियर मेन, फेयर लवली, पॉन्ड्स, क्लीन एंड क्लियर, एक्सनेक, ये नंबर 3rd कैटेगरी के अंदर रखे हुए हैं। नंबर 3rd कैटेगरी के अंदर ये फेस वॉश है। अगर आपका फेस वॉश इन नंबर 3rd कैटेगरी में, तो आप भी जरूर इंग्रेडिएंट इनके जरूर चेक करें, और जो लिस्ट मैंने आपको दी है उसमें से जरूर चेकआउट करें, कहीं कोई भी केमिकल इनके अंदर तो नहीं है। और ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है गाइस, ये बस मैं आपको ट्रुथ बता रही हूँ और फैक्ट बता रही हूँ। आप खुद भी इन पे सर्च कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी सर्च कर लेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये थी हमारी नंबर 3rd कैटेगरी। इसके बाद आती है हमारी नंबर 2 कैटेगरी, जिसके अंदर एज कंपैरिजन 3rd और 4th कैटेगरी से थोड़े कम केमिकल्स ऐड होते हैं, और इसके अंदर नेचुरल केमिकल्स हैं जो हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। आयुष, बायोटेक, बजाज नोमाक्स, हिमालय, BLCC और पतंजलि जैसे फेस वॉश हैं जिनके अंदर लेस केमिकल होता है और एक नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते, और ये सारे फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूट होते हैं। अगर आपको कोई सा भी फेस वॉश आपके स्किन पे सूट नहीं होता तो आप घर पर भी अपने फेस वॉश बना सकते हैं, उसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। और ये कुछ ऐसे न्यूट्रल केमिकल हैं जो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये लिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए और अपने फेस वॉश से कंपेयर ज़रूर कीजिए कि उसके इंग्रेडिएंट में कौन से फेस वॉश वाले केमिकल्स यूज़ हुए हैं, कौन सी लिस्ट है। आप ज़रूर से एक एक केमिकल ज़रूर चेक करें। उसके बाद आती है नंबर 1 कैटेगरी, इसके अंदर ऐसे फेस वॉश है जिनके अंदर नेचुरल केमिकल्स है, एरोमा मैजिक, एकदम 100% प्योर फेस वॉश है। मैं यहाँ पर अगेन आपको बोल रही हूँ, मैं किसी भी
प्रोडक्ट की एडवर्टाइज नहीं कर रही, आप खुद देखोगे और आपको खुद पता चल जाएगा। तो नंबर वन कैटेगरी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फेस वॉश आपके लिए बेस्ट है, बस आपको उसके इंग्रीडियंट चेक करने और आप अपना फेस वॉश खुद डिसाइड कर सकते हो।